हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको लाइव फ़ोटो मेकर सॉफ्टवेयर बताऊंगा। लाइव फ़ोटो मेकर के अंदर हम लोग किसी भी स्टील फ़ोटो के ऊपर इफ़ेक्ट दे सकते हैं, वाटर इफ़ेक्ट दे सकते हैं, रेन इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको दिखाता हूँ। ये नॉर्मल से एक फ़ोटो है, देखिए इसे इसे मैं प्रीव्यू किया। ये देखिए लाइट हाउस का एक नॉर्मल सा फ़ोटो है। इसके यहाँ पर मैं वाटर इफ़ेक्ट देना चाहता हूँ, इस जगह पर रॉक्स के जगह पर वाटर इफ़ेक्ट देना चाहता हूँ। तो कैसा लगेगा इफ़ेक्ट देने के बाद ये भी देख लें। ये देखिए ऐसे मैं प्ले करता हूँ, इस तरह का वाटर इफ़ेक्ट हम लोग किसी भी स्टील फ़ोटो पे दे सकते हैं। किसके माध्यम से? लाइट लाइव फ़ोटो मेकर के माध्यम से। तो लाइव फ़ोटो मेकर को ओपन करेंगे तो उसका जो फर्स्ट लाइव फ़ोटो मेकर का जो ओपनिंग स्क्रीन रहेगा कुछ इस तरह आपको नज़र आएगा। ऊपर देखेंगे टाइटल बार है, उसके बाद मेनू बार है, उसके बाद स्टैंडर्ड टूल बार है, और यहाँ पेज के मिडिल पोर्शन में एक आपको विंडो दिखाई देगा जहाँ पे लिखा होगा लाइव फ़ोटो मेकर, उसके बाद क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पे कुछ सैम्पल्स भी दिए हुए देख सकते हैं आप, अलग अलग बहुत खूबसूरत सा सैम्पल्स दिया हुआ है। जैसे अगर इसे मैं क्लिक करता हूँ और ये ऑटो व्यू करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये खूबसूरत सा इफ़ेक्ट दिया हुआ है ये वाला। तो इस तरह हम लोग इफ़ेक्ट दे सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले फाइल मेनू में जाएंगे, उसके बाद न्यू पे क्लिक करें। न्यू पे क्लिक करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट का एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पे टाइटल, एक टाइटल देना है, जैसे मैं कुछ टाइटल दे दिया। उसके बाद लोड इमेज, जिस पिक्चर के ऊपर आपको इफ़ेक्ट देना है उसे लोड इमेज के माध्यम से लेकर आते हैं, तो लोड इमेज पर क्लिक करें। करने के बाद ओपन का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। अब जिस फ़ोटो के ऊपर आपको इफ़ेक्ट देना है, जैसे ये लाइट हाउस है, इसके ऊपर इफ़ेक्ट देना है, तो इस फ़ोटो को लेकर आना होगा। तो इस पर मैंने क्लिक किया, उसके बाद ओपन पे क्लिक करूँगा, उसके बाद अगेन ओके पे क्लिक करें। ये देखिए लाइट हाउस का फ़ोटो यहाँ आ गया। अब ये पिक्चर ज़रा बड़ा लग रहा है, साइज़ ज़रा ज़्यादा बड़ा है, दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो इसे मैं राइट हैंड साइड में देखेंगे, इफ़ेक्ट का बटन है उसके ठीक नीचे देखेंगे, यहाँ पर जूम आउट का बटन दिया, उस पर क्लिक करें। ये पिक्चर मेरा छोटा हो गया, जूम आउट हो गया। ये देखिए अब आपको दिखाई दे रहा होगा, आशा करता हूँ ये दिखाई दे रहा, बहुत छोटा हो गया। उसके बाद अब जिस पोर्शन में, इस जो रॉक्स के जगह है, इस जगह मुझे वाटर इफेक्ट देना है, लगे कि यहाँ पानी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे टूल टूल का बॉक्स दिया हुआ है। यहाँ पर दो टूल आपको दिखाई दे रहा होगा, एक पेन टूल है, दूसरा आपका फिल करने के लिए, मास्क फिल करने के लिए। तो सिलेक्ट पेन टूल को सिलेक्ट करें। करने के बाद आप चाहें तो इसका साइज़ नीचे हैंडल दिया हो यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये इस तरह रॉक्स के जगह पे इस तरह मैंने सिलेक्ट कर दिया, आपको ब्लू कलर से दिखाई दे रहा होगा, ये फिल हो रहा, मतलब इस जगह मैं मास्किंग करूँगा या इस जगह पे वाटर लेकर आऊँगा। और ये देखें इसे मैंने इस तरह सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखें इफ़ेक्ट, राइट हैंड साइड में इफ़ेक्ट का बटन दिया हुआ है। यहाँ पे वाटर इफेक्ट है, एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 100 है, रिपल इफेक्ट 100 है, डिस्टॉर्शन 0, स्पीड दिया हुआ। अब इसे अगर देखें, ये जो सेटिंग किया हुआ है इसके, ये सेटिंग में कैसा लगता है इफेक्ट देखें। ऊपर देखें कुछ बटन दिया है, बिल्ड स्क्रीन सेवर, बिल्ड एग्जीक्यूटिव फाइल, बिल्ड वीडियो, बिल्ड ग्राफिक प्रीव्यू और ऑटो व्यू। ऑटो व्यू पर क्लिक करेंगे, ये देखिए अभी हल्का सा आपको दिखाई दे रहा होगा। स्पीड कर देता हूँ मैं ज़रा एम्पलीट्यूड, ये देखिए ये ज़्यादा स्पीड नहीं दिखाई दे रहा। ये ऑटो व्यू, ये देखिए इस तरह दिखाई देगा। इसे मैं ज़रा कम कर देता हूँ स्पीड, आप यहाँ ऑटो व्यू करता हूँ, फिर अगेन ऑटो व्यू, इस तरह वाटर का इफेक्ट दिखाई दे रहा होगा। ऑटो व्यू पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया वर्टिकल वेव, हॉरिजेंटल वेव, पर्सपेक्टिव। यहाँ पे हॉरिजेंटल वेव अगर करता हूँ मैं, ऑटो व्यू करता हूँ, ये देखिए इस तरह आपको दिखाई देगा। वर्टिकल वेव हटा दिया मैंने, कर दिया इस तरह। इस तरह हम लोग इफ़ेक्ट, ये देखिए ज़्यादा डिस्टॉर्शन देने से इफ़ेक्ट, ये देखिए वाटर वेव दिखाई दे रहा, अंदर पानी की तरह इफेक्ट दिखाई दे रहा। अगर आप चाहें तो यहाँ पर रेन इफेक्ट, रेन का इफेक्ट भी अगर देना चाहें तो रेन के इफेक्ट के लिए आप अगेन वेदर में जाएं, वेदर को सिलेक्ट कर दें, उसके बाद यहाँ पे जाएं, वहाँ पर रेन कर दें, तो देखिए आपको रेन
रेन ड्रॉप्स भी दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आप पार्टिकल काउंट रेन है ऐसे, आप यहाँ पे पार्टिकल काउंट को बढ़ा दें यहाँ से, यहाँ से ये देखिए आपको हल्का हल्का रेन इफेक्ट भी दिखाई दे रहा, बारिश हो रहा, पानी है यहाँ पे, वेव फॉर्म में आपको पानी भी यहाँ दिखाई दे रहा है। रिफ्लेक्शन कर देंगे तो इफेक्ट कुछ अलग हो जाएगा, वाटर में जाएंगे अगर रिफ्लेक्शन कर देता हूँ तो इस तरह आपको दिखाई देगा, तो रिफ्लेक्शन ना ही करें तो बढ़िया है। इस तरह देखिए वाटर इफेक्ट आपको दिखाई दे, साथ में बारिश भी हो रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं। सर मैं जूम आउट करता हूँ, ये देखिए रेन के साथ यहाँ पे, ये नॉर्मल फ़ोटो पे मैंने यहाँ पे वाटर इफेक्ट ऐड किया है। अब इसे फाइनल आउटपुट वीडियो कैसे निकालेंगे ये भी देख लें आप। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे बिल्ड वीडियो का ऑप्शन दिया हुआ है, बिल्ड वीडियो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ बिल्ड में जाएं, बिल्ड का ऑप्शन में मेनू में जाएं, यहाँ पे वीडियो AVI पे क्लिक करें, यहाँ बिल्ड वीडियो का ऑप्शन आएगा, बिल्ड वीडियो का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पे वीडियो रिलेशन 640x480 रहने दे, कस्टम या फ्रेम पर सेकेंड 30 फ्रेम जाएगा, AVI लेंथ 27 सेकेंड दिया हुआ है। यहाँ पे वीडियो कंप्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आप एक्स विड एमपेक 4 कोडिक को सिलेक्ट करें, उसके बाद क्रिएट पे क्लिक कर देंगे तो ये फाइनल, क्रिएट पे क्लिक करें और यहाँ पे सेव एज किस जगह आप इसे सेव करना चाहते हैं, फाइनल आउटपुट वीडियो तैयार करना चाहते हैं, हमने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया, एक फाइल नेम दें, उसके बाद सेव पे क्लिक कर दें। तो इस तरह हम लोग लाइव फ़ोटो मेकर के अंदर वाटर इफेक्ट दे सकते हैं, उसके बाद आप रेन इफेक्ट ऐड कर सकते हैं किसी भी स्टील फोटोग्राफ्स के ऊपर। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।